हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए विविध प्रश्नावली एक का ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपसे संबंधित मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपकी प्रश्नावली एक का ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। इसमें से आपको परिमेय संख्या छांट कर लिखना है। तो सबसे पहला लिख लेते हैं, पहला है परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो रूट में कितना दिया है? 3 दिया है, पाई बाई 3 दिया है, कामा 22/7 दिया है, कामा 3 कड़ी के अंदर 4 दिया है, कामा कड़ी में 4 सही 1/4 दिया है, और कितना दिया दोस्तों? 2.33। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको परिमेय संख्या बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या लिख लेते हैं, परिमेय संख्या। अब आपको इसे छांटना है परिमेय संख्या कौन कौन से है इसमें। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो भी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, कर्णी के अंदर 3 है, तो कर्णी के अंदर 3 कई संख्या हो जाएगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरा दिया पाई बाई 3, बटे में तो है, लेकिन जब भी दोस्तों आप एक बात याद रखेगा, जहां भी आपको पाई दिखे उसे हमेशा आप क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। अगर पाई कहीं दिख जाए तो पाई कई संख्या होती दोस्तों? अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो पाई किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए या तो भाग कर दिया जाए, तो हमेशा वो अपरिमेय ही संख्या आएगा। अगर परिमेय और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन आपको कहीं दिखेगा तो सिर्फ आपको अपरिमेय मारना है। तो इसमें देखा जाए, ऊपर अपरिमेय है, नीचे क्या है? परिमेय है। 3 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई कैसी संख्या हो जाएगी दोस्तों? अपरिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या जब मिलते हैं तो हमेशा क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक दोस्तों, चलिए देख लीजिए, ये अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया। अब बच्चा 22/7, अब 22/7 की संख्या दोस्तों, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यह पी अपान क्यू के रूप में स्वतंत्र रूप से है। तो 22/7 कैसी संख्या हो जाएगी दोस्तों? परिमेय संख्या। अब अगला क्वेश्चन दिया है 3√4। देखिए, 3 करड़ी के अंदर 4 दिया है, 4 को अगर हम करड़ी से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 3/2 करड़ी से, क्योंकि 4 देखा जाए तो 4 को अंडर क्या लिख सकते हैं? 2/2 जोड़ा और कड़ी के अंदर जो मिलती है वो 2 बाहर निकल जाए, तो इसमें से 2 बाहर निकलेंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 कई संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम अपने से 1 लिख सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में हो जाएगा। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं? 3 कड़ी के अंदर 4 कई संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, समझा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखा जाए 4 × 4 = 16, तो 17/4 हो जाएगा। अगर कड़ी के अंदर कितना हो जाएगा? कड़ी में 17/ कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। अब कड़ी में 17/4 को हम 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा, लेकिन कड़ी के अंदर 17 बाहर नहीं निकलेगा, अतः ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये 2.33 भी क्या हो जाएगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारा यही हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बोला है, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बोला करणी के अंदर 4 कामा करणी के अंदर 0.4 कामा 4 कामा 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्या बतानी है? अपरिमेय संख्या। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन दिया है करणी के अंदर 4 कामा करणी के अंदर 0.4 कामा 4 कामा 5, तो आपको इसमें क्या बतानी है? अपरिमेय संख्या बताओ। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए परिमेय संख्या। ठीक दोस्तों, अब आप ये ध्यान दीजिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, यानी हम इसको नहीं लिख सकते, वो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कर्णी के अंदर 4 दिया है, रूट में कितना दिया है? 4। अगर रूट से हम 4 को बाहर लिखेंगे तो 2/2 लिखेंगे, 2 मिल रहा है, 2 क्या हो जाएगा? बाहर। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी दोस्तों? परिमेय संख्या। ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। हमें अपरिमेय पूछा है, तो 0.4 मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर 0.5 ऐसे दिया होता रूट में
0.04 दिया होता या 0.04 दिया होता तो कही संख्या हो जाती दोस्तों परिमेय संख्या। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 4 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, 5 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, तो अतः अपरिमेय संख्या इसमें क्या निकलेगा रूट में 0.04, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। तो छांटिए दिए इसमें देखिए जो दिया पहले इसको लिख लीजिए, तीसरा नंबर है, तीसरे में दिया है रूट में 3, 14.03737.. रूट में 1, π+4। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम बता दें इसमें हमें बताना है परिमेय संख्या छांटना है, तो लिख लीजिए यहां पे परिमेय संख्या। ठीक दोस्तों, तो परिमेय संख्या बताना है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, कर्णी के अंदर 3 स्वतंत्र रूप में बाहर निकल ही नहीं सकता, परिमेय संख्या वही था जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, तो इसमें लिखा नहीं जा सकता, ये भी संख्या दशमलव में है लेकिन नॉन रिपीटिंग है क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है, इससे भी पता नहीं कहां तक जाएगा, तो इसे भी P/Q में नहीं लिख सकते। अब बचा कर्णी के अंदर 1, कर्णी के अंदर कितना दिया दोस्तों 1 दिया है, कर्णी के अंदर 1 को बाहर निकालोगे तो 1 ही निकलेगा। ठीक है, तो 1/1 लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में बन जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा कर्णी के अंदर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों परिमेय संख्या। अब बचा π+4, तो पाई कैसी संख्या होता है अपरिमेय और 4 कैसी संख्या होता है परिमेय, तो जब अपरिमेय और परिमेय को जोड़ा जाता है दोस्तों तो हमेशा क्या प्राप्त होगा अपरिमेय। अभी आपको इसके पहले सवाल में बताया दोस्तों कि जब पाई और जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का आपस में जोड़ दिया जाएगा तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी अपरिमेय, क्योंकि एक अपरिमेय एक परिमेय, अपरिमेय परिमेय मिलकर हमेशा अपरिमेय ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। चलिए देखिए चौथा नंबर है जो क्वेश्चन दिया गया, इसमें से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को छांटना है, तो परिमेय इसमें लिखा गया 4 − 3 · 7/2 − 5 − 4 रूट में 0.01। इनको बताना इसमें से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्याएं छाटनी है तो परिमेय संख्याएं लिख लीजिए परिमेय संख्याएं। तो देखिए हम आपको बता दें परिमेय संख्या होता है जैसे हम P/Q के रूप में लिख सके, तो यहाँ देखिए 4 है लेकिन कर्णी के अंदर 3 बाहर नहीं निकलेगा, तथा ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। आपको परिमेय बतानी है और क्या बतानी है अपरिमेय बतानी है, तो लिखते चलिए अपरिमेय संख्याएं। तो ये पहला क्या हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय वाले में लिख दीजिए। दूसरा कर्णी के अंदर 7/2, तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा कर्णी के अंदर 7, तो अतः ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय, यानी कर्णी में 7/2 अपरिमेय हो गया। अब देखिए कितना दिया है 5 − 4, अगर कर्णी के अंदर 4 दिया है अगर बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 2, तो कितना हो जाएगा 5 − 2, तो 5 में 2 कटेगा कितना देगा 3, 3 बटाई लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में हो जाएगा, अतः ये जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ठीक है, तो 5 − 4 कई संख्या हो जाएगी परिमेय, और कर्णी के अंदर 0.01 भी क्या हो जाएगा परिमेय, क्योंकि 0.1 का वर्ग होता है, 0.01 का वर्ग करेंगे तो 0.01 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं ये परिमेय संख्या निकला, ये आपका क्या निकला अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कर्णी के अंदर 2, कर्णी के अंदर 3, कर्णी के अंदर 9, कर्णी के अंदर 15 में परिमेय संख्या ज्ञान कीजिए। तो पहले लिख लीजिए कर्णी के अंदर 2, कर्णी के अंदर 3, कर्णी के अंदर 9, कर्णी के अंदर 15 में हमें क्या बतानी है परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, यहां लिखिए परिमेय
संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कैसे याद करें दोस्तों, जो क्या हो जाए कर्णी से बाहर निकल जाएगा पूर्ण रूप से, वही मेरा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो कर्णी के अंदर दो बाहर तो निकलेगा नहीं, कर्णी के अंदर तीन ही बाहर नहीं निकल सकता, कर्णी के अंदर नौ निकल सकता है। अगर कर्णी के अंदर जो नौ दिया है, नौ को क्या कर सकते हैं, तीन गुणते तीन, और तीन हमेशा क्या हो जाता है जोड़ा कर्णी के अंदर किसी भी संख्या को बनता है तो बाहर निकलता है। तो तीन निकलेगा, तीन को हम क्या लिख सकते बटे में एक, तो पी अपान के रूप में बन जाएगा। अतः कर्णी के अंदर नौ क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अब कर्णी के अंदर जो पंद्रह है, पंद्रह भी कर्णी के अंदर बाहर नहीं निकल सकता, तो तब कर्णी के अंदर पंद्रह है तो अगर हम गुणनखंड करेंगे तीन गुणते कितना होगा पांच, इसमें से न तीन बाहर निकल पाएगा न पांच निकल पाएगा, अतः कर्णी के अंदर पंद्रह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर यह जाएगा कर्णी के अंदर नौ। चलिए क्वेश्चन नंबर छह देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छह में बोला है कर्णी के अंदर सात, कर्णी के अंदर ग्यारह, कर्णी के अंदर सोलह, कर्णी के अंदर उन्नीस और कर्णी के अंदर तेईस में परिमेय संख्या ज्ञान कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, कितना दिया कर्णी के अंदर सात, कर्णी के अंदर ग्यारह, कर्णी के अंदर सोलह और कर्णी के अंदर उन्नीस, कर्णी के अंदर तेईस। आपको इसमें से परिमेय संख्या छाड़नी, यहां लिख लीजिए परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या छाड़नी है तो परिमेय संख्या लिख लीजिए जो पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएगा वही आपका परिमेय संख्या होगा। तो कर्णी के अंदर सात नहीं निकल पाएगा, कर्णी के अंदर ग्यारह नहीं निकल पाएगा, कर्णी के अंदर सोलह तो कर्णी के अंदर सोलह निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर्णी के अंदर सोलह का गुणनखंड करेंगे तो दो गुणते दो गुणते दो गुणते दो आएगा, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, दो का जोड़ा मिल रहा है दो बाहर निकल जाएगा, दो का जोड़ा मिल रहा है दो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दो दुनी कितना हो जाएगा दोस्तों चार, अतः ये इसका ये पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी चार का एक लिखेंगे तो पी अपान क्यू के रूप में हो जाएगा। तो कर्णी के अंदर सोलह क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, उन्नीस भी नहीं निकल पाएगा तेईस भी नहीं निकल पाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सात है कर्णी के अंदर चार कामा कर्णी के अंदर तीन कामा कर्णी के अंदर पांच कामा कर्णी के अंदर नौ कामा कर्णी के अंदर सोलह में परिमेय संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए जो सवाल दिया उसको लिख लीजिए, कर्णी के अंदर कितना दिया है चार, कामा कर्णी के अंदर तीन, कामा कर्णी के अंदर पांच, कामा कर्णी के अंदर नौ और कामा कर्णी के अंदर सोलह में परिमेय संख्याएं बताइए। तो परिमेय संख्या क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, जिसे हम स्वतंत्र रूप से बाहर निकालेंगे, अभी चार को हम बता ही चुके हैं आपको, चार कर्णी के अंदर चार कई संख्या है परिमेय हो जाएगी, कर्णी के अंदर तीन अपरिमेय, कर्णी के अंदर पांच अपरिमेय, कर्णी के अंदर नौ देखिए परिमेय हो जाएगा क्योंकि तीन का वर्ग, कर्णी के अंदर कितना दिया है नौ, तो नौ हम क्या लिख सकते हैं तीन गुणते तीन, तीन इसमें से क्या निकल जाएगा बाहर, तीन बटे लिख सकते हैं तो पी अपान क्यू बन जाएगा। तो कर्णी के अंदर नौ क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, और कर्णी के अंदर भी सोलह पहले वाले सवाल देखिए छठे में बताया गया आपको, कर्णी के अंदर सोलह क्या है परिमेय संख्या, तो भी क्या हो जाएगा कर्णी के अंदर सोलह परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा है दोस्तों। अगर आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं इससे आपको पूरा कोर्स बताया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ। देखिए क्वेश्चन नंबर आठ दोस्तों, कर्णी के अंदर दो कामा कर्णी के अंदर तीन कामा कर्णी के अंदर पांच कामा कर्णी के अंदर चार बटे नौ कामा कर्णी के अंदर सात कामा कर्णी के अंदर दशमलव नौ में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो सबसे पहले जो कर्णी क्या दिया है, कर्णी के अंदर दो कामा कर्णी के अंदर तीन कामा कर्णी के अंदर पांच कामा कर्णी के अंदर चार बटे नौ कामा कर्णी के अंदर सात कामा कर्णी के अंदर दशमलव नौ। आपको इसमें परिमेय संख्या छांटनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लिखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिखेंगे वही परिमेय संख्या होगा, अन्यथा और कोई नहीं होगा। तो कर्णी के अंदर दो अपरिमेय संख्या, कर्णी के अंदर तीन अपरिमेय संख्या, कर्णी के अंदर पांच भी अपरिमेय संख्या, लेकिन कर्णी के अंदर चार बटा नौ कई संख्या होगी दोस्तों परिमेय संख्या। देख लीजिए कि कर्णी के अंदर चार है, चार को कह सकते दो गुणते दो और नौ को हम तीन गुणते तीन, अगर इसे जोड़ा दो दो का बन रहा है तो दो बाहर निकल जाएगा, तीन बन रहा तीन ही बाहर निकल, दो बटा तीन आ यानी पी अपान क्यू के रूप में हो जाएगा, अन्यथा हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं चार बटे नौ क्या हो जाएगा परिमेय संख्या।
करणी के अंदर सात क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। करणी के अंदर 0.9 ये भी अपरिमेय संख्या। अगर यदि यही दिया होता, करणी के अंदर 0.09 दिया होता तो कई संख्या दोस्तों परिमेय हो जाती, लेकिन यहाँ 0.10 नहीं लगाया, अतः यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो आपका यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, सिद्ध कीजिए कि 2+3 करणी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसको सिद्ध करके बतानी है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, माना क्या दिया है, 2+3 √2, इसको सिद्ध करना है कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको अपरिमेय बोला तो इसको विपरीत हम मान लेंगे क्या, परिमेय संख्या। तो लिख लीजिए, माना 2+3 √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, जो एक परिमेय संख्या क्या, p जो यानी मान लो a बटा b के या p अपान q के बराबर है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें कुछ ही मान सकते हैं, a बटा b या p अपान q कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 2+3 करणी के अंदर 2, अब किसके बराबर है, a बटा b के। ठीक है, अब हम 2 को क्या करेंगे, उस तरफ पंचांतर कर देंगे। तो 3 करणी के अंदर 2 बराबर a बटा b माइनस क्या हो जाएगा, 2। दो इस तरफ प्लस में, इस तरफ जाएगा किसमें, हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे हम रूट में 2 बराबर निकालेंगे तो a माइनस b का क्रॉस गुणा हो जाएगा, यहाँ 3 रहने दीजिए, b का क्रॉस क्या हो जाएगा, 2b और बटा क्या आ जाएगा, b। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे रूट में 2 बराबर निकालेंगे तो a माइनस 2b अपान 3 का b में गुणा क्या हो जाएगा, 3b। आप चाहे इसमें अलग अलग भी भाग भी कर सकते हैं, कर दीजिए, इसे करना होगा, अंडर रूट 2b बराबर निकालेंगे तो a बटा क्या हो जाएगा, 3b, माइनस इसको अलग भाग करेंगे 2b बटा क्या आएगा, 3b। ठीक है दोस्तों, यह अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे 20 में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी अंडर रूट 2 बराबर क्या निकल जाएगा, a अपान 3b माइनस 2 अपान 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते नहीं थे, यहाँ भी आप क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। तो अब हम यहाँ क्या बताए, आपको क्या लिखना है, इतना हो गया। अब देखा जाए यहाँ इतना पूरा कई संख्या दिख रहा है, परिमेय संख्या, लेकिन ये कई संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं क्या, a माइनस a बटे 3b माइनस 2 अपान 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन लेकिन करणी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, यहां लिख दीजिए, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण ये 2+3 √2 ये दिया ना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही आपका प्रूव करना था। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? ठीक है दोस्तों, इसमें आपको परिमेय संख्याएं बतानी है और अपरिमेय संख्या बतानी है, कौन कौन सी है। तो पहला दिया है क्या, पाई। ठीक है, तो पाई कैसी संख्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, पाई कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा क्या दिया है, 22/7, 22/2 क्या, 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या हो जाएगी, लिख दीजिए परिमेय संख्या, क्योंकि p अपान q के रूप में है। आप एक बात और याद रखिए दोस्तों, पाई अपरिमेय संख्या होती है।
पाई से बने मान जो भी होते 22/7 या 3.14 ये सब कई संख्या होती है, परिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इससे बने सभी मान जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए दोस्तों, तीसरा दिया है 3.14। देखिए पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। ठीक है, तो 3.14 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या लेकिन उससे बने सभी मान क्या है, परिमेय संख्या। अब इस क्वेश्चन का लास्ट चौथा देख लेते हैं, चौथा दिया है कर्णी के अंदर 0.9। ठीक है, तो 0.9 के साथ क्या आ जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर यही कर्णी के अंदर 0.09 दिया होता या कर्णी के अंदर 0.09 दिया होता तो कैसी संख्या हो जाती, परिमेय संख्या हो जाती। ठीक है दोस्तों, 9 के पहले अगर 1 0 लगा देता तो यह परिमेय संख्या हो जाती। ठीक, तो समझा दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपसे संबंधित मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों।